आज के इस वीडियो में हम जेईई मेंस के गेम प्लान की बात करेंगे जो कि आप जून और जुलाई अटेम्प्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग नया स्टार्ट करिए, कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करना स्टार्ट करिए और नए नए तरीके के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए, न्यू तरीके के जो आप पहले नहीं करके रखे हुए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं तो शायद आप लोग को पढ़ाई करने में मुश्किल हो रही हो, आप लोग बोर हो रहे हो। और फिर दूसरी पॉइंट ये है कि आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग पे ज्यादा फोकस करिए इंस्टेड ऑफ की केवल कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हैं। जेईई मेंस में अगर एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आप लोग को प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज्यादा फोकस करना होगा। और फिर थर्ड पॉइंट अपना जो है वो पीवाईक्यूज से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए, जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज होती है। हर चैप्टर अगर आपको लग रहा है कोई चैप्टर वीक है तो पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जो चौथा पॉइंट वो है वो ये है कि फोकस ऑन इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग। जब भी आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो तो इफेक्टिव होनी चाहिए वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस। इसके लिए हम अगला वीडियो चैनल पर आएगा, इसलिए चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप कोई भी रिविजन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि आप बोर हो रहे हैं खुद के साथ तो आप लोग कोई भी रिविजन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप रिवीजन कोर्स ज्वाइन करें, बट अगर ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो तो जरूर ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।